देख गइलन नीर मोहिया भइल ना कान्हा दादा देख गइल रान मोहिया भइल ना की ओर से और अभी जोगीपुर भजन मंडली की ओर से भजन का श्री कृष्ण भजन का हम लोग जो आयोजन अभी कर रहे हैं इसके तुरंत बाद में अभी उद्घाटन कुछ ही देर में हो जाएगा। हमारे अतिथि सब पंडाल में उपस्थित हैं और इसके साथ ही कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने हैं जिसमें सुशील यादव जी आए हुए हैं पटना से, वो कई देश में अपना परफॉर्मेंस कर चुके हैं और उनके स्टूडेंट और वो श्री कृष्ण का पर आधारित नृत्य का प्रस्तुति आपके सामने रखेंगे। और भी हमारे बीच कई संस्कृति कर्मी पहुंचे हुए हैं जिसमें एक हमारे कृष्णा यादव भाई हैं और हम चाहेंगे कि उद्घाटन से पहले वो आए मंच पर और जो शब्द आप लोगों से वो एक सांस्कृतिक रूबरू कराने के लिए कि हम लोग आगे किस कार्यक्रम को कैसे ले चलेंगे उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो कृष्णा यादव जी आपका मंच पे आमंत्रण है। हमारे पूरे भजन मंडली हारमोनियम पे श्री उमेश कुमार जी, रमेश यादव जी है गायन में और दया जी का बवन बवन जी कुंजवा के ब्यास जी हम लोग ब्यास जी के नाम से जानते हैं। ढोलक पे कौन है? रानू जी ढोलक पे हैं। और कौन लोग हैं? और भैया अमरकांत जी कोरस में सहयोग कर रहे हैं। और इसी बीच हमारे और संस्कृति से आप लोग को रूबरू कराने के लिए वैशाली के जिला अध्यक्ष राजद और छात्र नेता हमारे कृष्णा यादव जी को हम मंच देते हैं और ये माइक अब उनके हाथ और वो उसके बाद फिर भजन का एक आनंद आप लोग लेंगे और उसके बाद उद्घाटन तुरंत ही होगा। देवता मन ही ईश्वर बन के I'm
लालू जी बोल रहे हैं, देखे को बचाने का काम किया भगवान कृष्ण। उसी प्रकार आज के डेट में हम लोग सारे सभी जाति के लोग मिलकर के आग बचाने का सब लोग को काम करें, पर वृक्ष बनने का काम करें। वृक्ष बनिए और सब जाति के लोग को रखिए, पूरा बिहार को चलाइए। भगवान कृष्ण ने यही कहा था कि बचाओ, यहाँ जो आप लोग के आगे पीछे काला मंडरा रहा है उससे बचने का कोशिश करो। जैसे भगवान कृष्ण ने कंस का विध्वंस किया और गोफरा मथुरा हाथ किया, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। उद्घाटन के अवसर पर I'm not afraid.
पर्वत ही पूजा के हो, इसका विपरीत दूसरी कहानी है, पीछे जाना पड़ेगा, वो सभी लोग जानते ही होंगे, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। गोवर्धन पर्वत को भगवान वरदान दिए थे कि वापर युग में सारा लीलाएं आखिर ऊपर में करूँगा, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जिस समय गोवर्धन पर्वत की पूजा का शुभारम्भ कराए थे वो 7 वर्ष के थे, वो 3-7 का संयोग समय था। भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के थे, 7 कोस में गोवर्धन पर्वत है, और जब पूजा शुरू ही हुई तो ये नारद जी जा कर करके वहाँ पर इसकी सूचना दी थी, इसका भी बहुत विस्तृत कहानी है, पीछे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और इस पूजा से क्रोधित होकर के इंद्र ने 7 दिन तक भारी वर्षा का माने अति किया था, और आंधी तूफान 7 दिन तक, 7 वर्ष भगवान श्री कृष्ण 7 कोसीय गोवर्धन पर्वत और 7 दिन तक बारिश होते रहा, लेकिन भगवान की कृपा कहिए वो 7 दिन के भारी वर्षा आंधी तूफान में एक भी गोप और गौ का विनाश नहीं हुआ, मृत्यु नहीं हुआ, भगवान श्री कृष्ण का ही कृपा था। और भगवान का अवतरण होता है, जन्म नहीं, जन्म हम साधारण मानव के लिए होता है, भगवान ने अवतार ही लिया था, वो आप सीरियल वगैरह देखें उसमें अच्छी तरह से है, घर संहिता पढ़े श्रीमद भागवत लीला के बारे में कुछ चर्चा किया जाएगा। 4-5 घंटा समाप्त नहीं होने वाला है, भागवत गीता जो पंडित जी लोग करते हैं तो एक हफ्ता कम से कम लगता है तो भागवत गीता समाप्त होता है। तो उतना विद्वान हम लोग तो है नहीं कि हम लोग 7 दिन तक इसका प्रवचन करें, 2-3 मिनटों में इस बात को हम समाप्त करना चाहते हैं। इंद्र ने जो लगातार बारिश कर रहे थे और जो गोकुलवासी मथुरावासी तबाह हो गए थे, तो भगवान कृष्ण ने गोपियों वहाँ के यादव वंशियों से कहा था इंद्र के पूजा मत करो, लेकिन उसे पूजा रोक दिया, इंद्र नाराज हो गए, उन्होंने बारिश करना शुरू किया। तो भगवान कृष्ण ने अपने अंगूठी को उठा के पर्वत ऊपर किया और वहाँ के निवासियों को, जनता को, जादूवंशियों को उसने रक्षा करने का। उसी समय से आज ही के दिन दीपावली के दिन बाद गोवर्धन के पूजा, और हम लोग जो जादू जाति के रहने वाले हम विशेषकर हम लोग जो है पशुओं को सेवा करते हैं, गाय के पूजा करते हैं, बैल के पूजा करते हैं, मवेशी के पूजा करते हैं, और हम लोग जो नया साल में एक बार गौ माता को, गौ को हम नया वस्त्र मतलब नया जो रस्सी होता है जिसे बांधा जाता है उसको हम नया रस्सी में उसको स्नान धुआ कर सुबह सुबह स्नान करा कर नया हम वस्त्र देते हैं। वस्त्र उनका वस्त्र वही है, रस्सी है, नया रस्सी से हम लोग उनको सम्मानित करते हैं। और उसके बाद जो है गेरुआ रंग से हम लोग जो है उनको पूजा करते हैं, गौ को, गाय को, बैल को और जो भी मवेशी है सबको सम्मानित करते हैं। तो ये देश की पहला जात है कि सबसे अधिक जानवर को पूजा करने वाली जाति है, साल में वो सम्मान देता है हम लोग जात के लोग, मवेशियों को सम्मान देता है, ऐसा कोई इस देश में जात नहीं है कि किसी मवेशी को, जानवर को सम्मान दे, लेकिन हम लोग सम्मान देते हैं क्योंकि हम लोग में शक्ति है। या रातें हम सुन रहे थे अग्रवाल साहब का, हजारीबाई द्विवेदी का, उन्होंने अवसर पर और भगवान पिछले कई तरह के सामाजिक भारतीय है या कई विद्वान जुटे हुए हैं, जब गोपी लोग स्नान कर रही थी यमुना के तट पर, भगवान कृष्ण ने उसका व्रत उठाने का काम किया था।
और भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जल में तालाब में किसी भी जगह लग लक्ष्मा नहीं करना चाहिए। इन्होंने उपदेश दिया था, धार्मिक दृष्टि उन्होंने हमारी दृष्टि को सभी समझाने काम किया था कि ये काम करने से आपका अल पर असर पड़ेगा। किसी न किसी कीटाणु इसमें जल में सांप भी है, कई तरह के जानवर भी जो प्रवेश कर रहे हैं, चोक भी रहता है नदी में, से शरीर को रक्षा करने के लिए उन्होंने उपदेश देने काम किया था और समझाने काम किया था। मित्रों ये भी आप देखते हैं कई तरह के भगवान किसने सबको रक्षा करने का काम किया था, सबको सम्मान दिया था। जो नारी को राक्षसों ने दिल तबाह करने का काम किया था, अपमान करने का काम किया था, उसकी रक्षा करने का एकमात्र जो थे भगवान किसने था। उन्होंने कहा था महिलाओं ने कि हमारा रक्षा कौन करेगा, भगवान किसने अपना रूप दिखाया कि हम सबकी रक्षा हम स्वयं करेंगे, सबको हम सम्मान देंगे और सबके दिल में शरीर में हमारा जो है तो दिल में रहेगा कि हमारा प्रत्यक्ष जो है हमारा देख सकते हैं। ये कृष्ण के उपदेश था। हम Thank you.
समता भाईचारा प्रेम मोहब्बत का वातावरण बनाकर एक जीवन नागरिक के रूप में जीने का संदेश दिया था और सभी कलाओं से परिपूर्ण होकर जीने का जो संदेश दिया था, आज पूरा विश्व एक परिवार बन चुका है। आज कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलकर हम पूरी दुनिया के साथ जी सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि आज देश ये दुनिया ज्ञान की दुनिया है, नॉलेज इज पावर एंड नॉलेज इज कैपिटल। अगर कैपिटल भी प्राप्त करना है तो नॉलेज की जरूरत है, स्किल की जरूरत है। अगर पावर भी प्राप्त करना है तो उसके लिए नॉलेज की जरूरत है। तो नॉलेज का खजाना, नॉलेज का केंद्र, नॉलेज का सेंटर कहाँ है, उसके लिए हमको तैयार हो जाना चाहिए। आने वाले पीढ़ी को ज्ञान से लैस कराना होगा। एक जमाना था जिस समय हम अपने समाज के लोगों के द्वारा पूरे देश और दुनिया पर शासन करते थे, अपने बल के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, मानव शक्ति के बल के आधार पर। आज दुनिया को पुनः जगाना होगा, यदि मैं कम करना होगा तो ज्ञान से कराना होगा। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, भारत गाँव का देश है, भारत की आत्मा गाँव में बसती है। और मैं धन्यवाद देता हूँ भाई राम कृपाल जी को, आज दिल्ली छोड़कर और इस समारोह में आकर हम लोगों के बीच में गाँव की दिलों की धड़कन को, आपके दिलों की धड़कन को समर्पित दे रहे समर्पित दर्शन कार्यक्रम में आने का जो सौभाग्य प्राप्त किया है, संदेश देने का काम किया है। दुनिया में संदेश ज्यादा है, अगर देश को संभालना है तो गांधी जी ने कहा था भारत की आत्मा गांव को आत्मा है। और उसी संदेश ने पुनः मैं आप लोगों के प्रति मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। हमारे राय साहब जो संस्थान के जो फाउंडर हैं, उनने जिन्होंने स्कूल खोल तो गांधी के सपनों को संभाल दिया और अम्बेडकर की लाइन को पढ़ने का काम किया था कि फर्स्ट एजुकेटेड जनरल बनाई आफ्टर एजुकेटेड, और ज्ञान के केंद्र और स्कूल कॉलेज को छोड़कर उन्होंने एजुकेशन में रेवोल्यूशन लाने का काम किया था। मित्रों, आज एजुकेशन में रेवोल्यूशन लाने का काम है और कितने लोग यहाँ आए हुए हैं, मैं उनसे नम्र हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाने और अपने अपने गांव में कम से कम एक लाइब्रेरी खोलने का इस मंच से संदेश लेकर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के करना चाहेंगे। आनंद लिए तो हम मंच पर बुलाते हैं कृष्णा यादव, वैशाली के राजद जिला अध्यक्ष और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ। अभी ये अगर 5 मिनट और बैठेंगे तो हम इनसे सुनेंगे थोड़ा सा, इनका चाहेंगे कि इसके बाद हमारे बीच कृष्णा जी आपका सर्टिफिकेट। सर सर आपसे अनुरोध है सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट कृष्णा जी बढ़िया से फोटो लेना। ये बहुत मैंने इनका अभिनय देखा है कि हाँ, और इन्होंने रागा के प्रोडक्शन में भी काम किया है आउटकास्ट में, वो बेहतरीन पूरे देश में उसकी चर्चा है और अंतर्राष्ट्रीय भी प्रोडक्शन हुए हैं उसमें इन्होंने भाग लिया और इन्होंने बहुत जबरदस्त अभिनय किया। इनका जो भी नाटक अभी लगातार ये नाटक कर रही हैं पटना में, और श्यामानी देवी विषय है कि श्री कृष्ण सेवा न्यास परिषद की ओर से हम आपको सम्मानित कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। और हम अब सुशील राज जी को आमंत्रित करते हैं कि आप आए मंच पे और इनका हम लोग देखे हैं परफॉर्मेंस, इन्हें सॉल्व देकर। सर सर
और बहुत बहुत धन्यवाद सर और राजकुमार भैया। अब हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री सर को बहुत विलंब हो रहा है, उन्हें जाना भी है, तो हमारे बीच कई महत्वपूर्ण मंच पर पंडाल में कई सुमन सौरभ जी हैं, सौरभ सुमन पटना लॉ कॉलेज के अध्यक्ष जो हैं आए हुए हैं, उनको डॉक्टर विमल कुमार सर, आपको हम सभी डॉक्टर विमल कुमार उन्हें सम्मानित करने के लिए सर केंद्रीय मंत्री सर से सौल और सम्मी के पौधे से सम्मानित करेंगे माननीय केंद्रीय मंत्री सर। सर उन्हीं के स्मृति में ये सम्मान हम लोग देते हैं और उनके इस समारोह में गोवर्धन पूजा जो मनाई जाती है, कृष्ण भगवान जो एक उंगली पर उन्होंने इंद्र के कोप से बचाने के लिए हम लोगों की सबों की रक्षा की थी जिस जमाने में, और उसी को याद करके गोवर्धन पूजा मनाते हैं। गोवर्धन पूजा में खास करके गांव में मनाया जाता है जहां पर गायों की पूजा होती है। हालांकि ऐसा कहा गया है कि गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए, गोवर्धन एक पर्वत है उसकी पूजा होनी चाहिए, लेकिन हम लोग तो वहाँ जा नहीं सकते हैं, लेकिन इस गांव में रह करके हम लोग अपने जितने भी खटाल हैं उसमें जा करके गायों की सेवा करें और उन्हें खूब नेवेद और वगैरह पकवान बना करके खिलाएं और अपने इष्ट मित्रों को भी खिलाएं, और तभी गोवर्धन पूजा। आभार व्यक्त करना चाहता हूँ राजकुमार जी का और इनके पूरे टीम के साथियों का, विगत कई वर्षों से इसी स्थान पर हम जहाँ भगवान गोवर्धन के और भगवान श्री कृष्ण के याद में इकट्ठे होते हैं और साथ ही साथ अपने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को उत्साहित प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, सम्मानित करने का काम करते हैं, एक अच्छा प्रयास है। और इसके लिए उनके पूरी टीम के साथियों को जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगा। आज देश के विभिन्न इलाकों में भगवान गोवर्धन का, भगवान श्री कृष्ण का हम लोग याद कर रहे हैं और आज के इस मौके पर खासतौर पर हमें समुदाय के लोग, विशेष तौर पर निश्चित तौर पर बिहार का कोई ऐसा घर नहीं होगा जो हमारे समाज का होगा जो गाय की पूजा भगवान गोवर्धन को याद करने का काम नहीं करता। हमारी हजारों वर्षों की परंपरा है और उस परंपरा पर आज भी हम पाए हैं। आज के अवसर पर सब लोगों को हम गोवर्धन पूजा के इस अवसर पर शुभकामना और बधाई देना चाहते हैं और भगवान से आराधना करते हैं कि हम सब लोगों को अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आप तो सबके हैं, किसी साथ किसी खास वर्ग और जाति के नहीं हैं, भगवान तो सबके हैं और भगवान का से कामना करते हैं कि सबका कल्याण कीजिए, सद्भाव बनाइए, प्रेम बनाइए, मोहब्बत बनाइए, एकता बनाइए। और आज के इस अवसर पर हम विशेष तौर पर निवेदन करना चाहेंगे, प्रोफेसर साहब ने ठीक कहा, आज अगर हमें बढ़ना है, बहुत मूल बात कही जो मेरे मन को छुआ और मैं इसी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम सब लोगों को एक तो भगवान श्री कृष्ण के जो संदेश है उसको आपको साफ करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हम हर घर में हमारा विकास तब तक नहीं होगा, हमारे समाज का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का, जब तक हम शिक्षित नहीं होने का काम करेंगे। और ये बात खुशी प्रसन्नता है कि पहले की अपेक्षा हम लोग पढ़ने लिखने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपने देखा नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स जिसको हम लोगों ने सम्मानित किया, तो हमारे समाज के लिए प्रतिष्ठा की बात है। और विभिन्न क्षेत्रों में मगर जिस तरह से हमारी आबादी है
उस अनुसार हमें और शिक्षित होने की आवश्यकता है। और मुझे अब तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसा परिवार नहीं है, चाहे वो गरीब से गरीब परिवार हो, सबके मन में ये भाव आ गया है कि आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है शिक्षा, और सब लोग अपना पेट काट करके भी बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं। और अभी भी मेहनत करने की जरूरत है और खूब मेहनत करने की जरूरत है बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम एक अच्छा माहौल दें बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छी व्यवस्था में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें डालने का काम करें। और मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों में मेधा की कमी नहीं, यूँ तो कहिए कि बिहार में ही मेधा की कमी नहीं है, सिर्फ उसको सही रास्ता, सही वक्त और सही माहौल में बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि अच्छा माहौल, अच्छा परिवेश मिल रहा है और हमें हमारे समाज के लोग आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मैं चाहूँगा आज के दिन में जब हम भगवान से उसको याद कर रहे हैं, एक तो भगवान से के घटना के अनुसार उनके संदेश को आत्मसात करें, दूसरा हम पूरे तौर पर ये संकल्प लेके जाएं आज के दिन में कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की रफ्तार को तेज करेंगे। और जिस दिन हमारे घर का परिवार का बच्चा या पूरे समाज का बच्चा अगर पढ़ जाएगा तो हमें आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं सकता है। और शिक्षा एक माध्यम ऐसा है कि वही सभी ताकत को देने का काम है। इसलिए मुझे कई अन्य विभिन्न कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए मैं विशेष समय नहीं देते हुए आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, भगवान गोवर्धन के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए और सब लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद। जय कृष्ण।